सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में स्टार किड्स के फेमस दोस्त और बॉलीवुड सेलिब्रिटी ओरी ने एंट्री लेकर सबको चौंका दिया। ओरी ने इस वीकेंड के वार में पहले सलमान खान के साथ स्टेज शेयर किया और फिर उन्होंने घर में एंट्री ली। ओरी के आने के बाद से बिग बॉस 17 का माहौल पूरी तरह से बदल गया। वहीं अब ओरी बिग बॉस 17 से बाहर आ गए हैं। ओरी ने शो से बाहर आकर पेपराजी से कंटेस्टेंट के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने इस सीजन के विनर से लेकर सबसे फेक कंटेस्टेंट के बारे में बता दिया। दरअसल ओरी ने बिग बॉस 17 से बाहर आकर कंटेस्टेंट के खेल पर बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अंकिता लोखंडे उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ओरी ने कहा कि अंकिता लोखंडे ने मुझे सबसे पहले गले लगाया जब मैं घर के अंदर गया था, और जब मैं शो से बाहर आ रहा था तब भी अंकिता लोखंडे ने मुझे आखिरी बार हग किया था। उसने मेरे लिए चाय भी बनाया था। शो के विनर के नाम पर ओरी ने बताया कि मेरा मानना है कि शो की ट्रॉफी चिंटू यानी समर्थ जुरेल जीत सकते हैं। ओरी ने इस सीजन के मास्टरमाइंड और फेक कंटेस्टेंट के बारे में भी बात की। ओरी ने बताया कि शो में सब अच्छा खेल रहे हैं। विकी मास्टरमाइंड वो शो जीत सकता है। इस तरह मुन्नवर भी मास्टरमाइंड है। मुझे तो ईशा की मास्टरमाइंड भी लगती है, वो बहुत ही चालाक लड़की है। इसके बाद ओरी ने फेक कंटेस्टेंट की बात की और बताया कि अंकिता में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ईशा पॉजिटिव चीजें ज्यादा है, लेकिन खानजादी तो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ऐसा लगता है जैसे वो काले बादल लेकर चल रही है। बता दें कि ओरी बिग बॉस 17 के घर में एक दिन के लिए गए थे। पहले दावा किया गया था कि वो शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओरी शो में घर वालों को एंटरटेन करने गए थे। इसी वजह से ओरी की एंट्री के साथ ही कंटेस्टेंट को एक पार्टी थ्रो करने का टास्क भी मिला था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।